सो फाइनली टाटा ने भी अपना एक यूपीआई लॉन्च कर दिया है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन सब के यूपीआई से बोर हो चुके हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली होगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन जो कि एक यूपीआई है और इसके अंदर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो क्या इसका इंटरफेस है, किस तरह इसको यूज करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बता दूं कि मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं कमल टेक्निकल ट्रिक यूट्यूब चैनल। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एप्लीकेशन है टाटा न्यू एप्लीकेशन। तो बेसिकली इस प्रकार का इसका इंटरफेस रहने वाला है और इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ जैसे इसको शुरू करते हैं, यहां पे कुछ इस प्रकार का होम इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना होगा ताकि इसके अंदर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो आप यहां से एक अपना मोबाइल नंबर चूज करेंगे और चूज करने के बाद गेट ओटीपी सेलेक्ट करेंगे। गेट ओटीपी सेलेक्ट करते हैं तो आपका ओटीपी यहां पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और इसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना नाम और लास्ट नाम और ईमेल आईडी को यहां पे डाल देना होगा। तो मैं बेसिकली अपना नाम वगैरह यहां पे डाल देता हूं। ये सब डालने के बाद आपको लेट्स गो पे बेसिकली क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं इसके बाद आपको यूपीआई पिन के लिए मांगा जाता है, तो आप यहां से इस पे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पे एक्सप्लोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे कुछ इस प्रकार का होम इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे सबसे ऊपर मिलता है टाटा न्यू एप्लीकेशन की ब्रांडिंग। इसके बाद यहां पे नोटिफिकेशन आइकन मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो यहां पे आपको शो होगी। इसके बाद ऊपर यहां पे थ्री लाइंस मिलते हैं, बेसिकली इस पे जैसे क्लिक करते हैं यहां पे आपके अकाउंट की जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपके पास आपके सामने न्यू कॉइंस भी इकट्ठे होंगे जो आपको किसी भी शॉपिंग के दौरान उसे यूज में ले पाएंगे। और यहां पे प्रोफाइल के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो आपने डिटेल डाली वो यहां पे देख पाएंगे। यहां पे टाइटल, मिडिल नेम, जेंडर वगैरह यहां पे देख पाएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं और यहां पे आपको मिल जाता है एड्रेस, माई ऑर्डर, जहां जैसे ही आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो आपका माई ऑर्डर का सेक्शन मिल जाता है। इसके बाद माई ट्रांजेक्शन यानी कि आपने कितने ट्रांजेक्शन करे, और रेफर ए फ्रेंड तो आप यहां से किसी बंदे को रेफर कर सकते हैं और यहां पे कुछ पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और आपको ऑप्शन मिल जाता है हेल्प, लीगल एंड ये जो कंपनी की जो सर्विस है उसके बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया। अब आपको बात करते हैं इस पे पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे स्कैन और पे करना है। तो बेसिकली आप जैसे स्कैन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको बेसिकली QR कोड को स्कैन करना है और इसको पेमेंट कर देना है जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से करते थे। इसके बाद सेंड मनी पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप इसको सीधा डायरेक्ट बैंक के अंदर भेज सकते हैं। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले आपको UPI से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे के अंदर करते थे वैसे के वैसे इसमें कर देना होगा। बिल पे कर सकते हैं, तो बेसिकली बिल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो बिल है वो यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप गैस और लैंडलाइन वगैरह यहां पे देखने को मिल जाते हैं। सो बैक आते हैं और यहाँ पे कुछ आपको फाइनेंस से रिलेटिव मिल जाता है। जैसे आप फाइनेंस पे रिलेटिव इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑफर वगैरह आता है और यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटिव आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक सामने आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा होगा न्यू अवे पास की तरफ से। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 5% आप अर्न कर सकते हैं मोर न्यू कॉइन्स एंड टाटा न्यू, यानी कि एक न्यू कॉइन के बराबर एक रुपये की वैल्यू होगी। यानी कि आप जितने कॉइन इकट्ठे करेंगे वो आप किसी भी शॉपिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर के अंदर आप यहाँ से किसी भी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं। नाउ इस एप्लीकेशन के अंदर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे जितनी भी आप शॉपिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी और होटल, फ्लाइट्स और ईट एंड ड्रिंक्स यानी कि जितने भी आइटम्स है उस पर एक बेसिकली आपको कॉलम बना दिया गया है। जैसे मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी लेटेस्ट मोबाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहली बड़ी बात ये है कि टाटा के जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको इस ऐप के अंदर देखने को बेसिकली आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 5G अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है और यहाँ पे आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि नई एप्लीकेशन है तो बेसिकली डिस्काउंट तो बनता ही है। और यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाटा पे। बेसिकली आपको होम के जो राइट पे मिल जाता है टाटा पे, बेसिकली इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपको किस तरह पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिया गया मिलता है। न्यू पास पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू पास पे जैसे क्लिक करते हैं सो आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके कॉइन कितने हैं वो देखने को मिल जाएंगे और अनलॉक सुन यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं और टाटा के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जिनकी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑफर में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे कितने परसेंट के डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। काफ़ी भारी डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि न्यू एप्लीकेशन है तो यहाँ पे काफ़ी कंपनी के साथ इन्होंने
अपनी डीलरशिप को किया है। इसके बाद आता है स्टोरीज पे। बेसिकली स्टोरेज पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ स्टोरीज वगैरह देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से आप टाटा आईपीएल फेवर कर सकते हैं या फिर आप टेक बुलेटिन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर बहुत कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपके फ़ोनपे और गूगल पे से अगर कोई चार्ज वसूला जाता है तो आप इस पर आ सकते हैं, और आपकी जो लिमिट है वो अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा होगी तो आप यहाँ पे आके ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मैंने पूरा व्यू बता दिया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।